हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद निकिता। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले वीडियो का प्रैक्टिकल वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। सो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम। सो गाइस, नीचे टास्क बार में आप लोग को दिख रहा होगा टाइम जोन, जिसमें आप लोग को डेट एंड टाइम शो हो रहा है, उस पर करना है आपको क्लिक। सो ये किया मैंने क्लिक, और यहाँ पर दिख रहा है चेंज डेट एंड टाइम। अब हम इस पर करेंगे क्लिक तो एक आएगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस। अब आपका एक और शो कर रहा है चेंज डेट एंड टाइम, उस पर करना है क्लिक। और फिर गाइस, आप लोग को यहाँ साइड में कैलेंडर भी दिख रहा है और यहाँ पर टाइम सेटिंग करने का, तो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ टाइम। सो गाइज, ये हो गया मेरा टाइम सेट, तो अब कर लेंगे ओके। एंड गाइज, अगर आप लोग को डेट भी चेंज करना है तो भी आप वैसे ही चेंज कर सकते हो। उसमें चेंज डेट एंड टाइम में क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आप लोग कैलेंडर शो हो रहा है उस पर आप लोग को अपना डेट सेट कर लेना है और फिर कर लेना है ओके। सो फिर आपका डेट और टाइम दोनों ही सेट हो जाएगा गाइज। ओके, तो चेंज हो गया हमारा डेट एंड टाइम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप थीम और बैकग्राउंड। उसके लिए करेंगे हम राइट क्लिक, और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन, ये रहा पर्सनलाइज ऑप्शन। अब करेंगे इस पर हम लोग लेफ्ट क्लिक। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस होगा, और फिर उस पर करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा इस। हाँ, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आप लोगों को करना है क्लिक। ये क्या है मैंने क्लिक। अब गाइज, आप लोग देख सकते हो कितने सारे वॉलपेपर्स और कितने ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स हैं। ये मैं आप लोग को स्लाइड करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हो कितने सारे बैकग्राउंड्स है। सो गाइस, अगर आप लोग चाहो किसी एक को सेट करना तो उस पर क्लिक कर सकते हो और फिर कर सकते हो सेव चेंजेस। सो ये मैं कर रही हूँ उसे मिनिमाइज। ओके, ये क्या, और फिर आप देख सकते हो गाइस आप कितना प्यारा लग रहा है ये। सो चलिए, ये फिर से जाते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन में, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सो गाइस, अब हम चाहते हैं सारे बैकग्राउंड्स टाइम टू टाइम चेंज होते जाए, तो उसे करेंगे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक और टाइम हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड का टाइम सेट कर रही हूँ। ओके, अब करेंगे सेव चेंजेस और जाएंगे हम मिनिमाइज से करेंगे, और अब करते हैं वेट। सो गाइस, अब देखना किस तरह से मेरा बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा। सो गाइस, अब देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड कितना जल्दी चेंज हो गया और कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना ये। ये देख, फिर से मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया गाइस। यही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है इसमें। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो फिर तो सही है ये। जितना भी आप कम टाइम दो, लाइक मैंने 10 सेकंड दिया तो वो सही था। लेकिन गाइस, अगर आप लोग लैपटॉप में वर्क कर रहे हो तो इतना कम टाइम मत दीजिएगा, वरना आपका बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी लो हो जाएगा। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंडो एक्सप्लोरर। उसके लिए गाइज, आप लोगों को दिख रहा होगा स्टार्ट बटन, उस पर करना है क्लिक, और फिर आएगा हमारा ऑल प्रोग्राम्स, तो ऑल प्रोग्राम करना है क्लिक। ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा इस एक्सेसरीज, उस पर करना है क्लिक। फिर आएगा विंडो एक्सप्लोरर, उस पर भी करना है क्लिक। सो फाइनली गाइज, हमारा विंडो एक्सप्लोरर का कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आप लोगों को दिखेगा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ साइड में म्यूजिक, फिर फोटोज़ एंड वीडियोज़। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग खोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत सारे इसमें फाइल्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं। सो गाइस, चलिए सीख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक को भी, रीनेमिंग ऑफ फाइल और फोल्डर। सो गाइस, उसके लिए आप लोग को सबसे पहले तो एक फाइल या फिर फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं कोई भी एक चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा। ओके, सो आप करेंगे इस पर राइट क्लिक, लेकिन गाइज यहाँ पकड़ना। हाँ ठीक है, राइट क्लिक किया हमने, रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है, रीनेम पे क्लिक करें। और फिर गाइज, अब आप लोग उसका नेम चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था फाइल का नेम निकिता, अब मैं इसमें 2 ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया चेंज, यहाँ मैं 2 ऐड कर रही हूँ। अब मैं करती हूँ इसे एंटर। ठीक है, सो गाइज ये कर रही हूँ मैं एंटर, और ये हो गया मैं नेम चेंज। था ना गाइज बहुत ही सिंपल सा। तो चलिए अब सीख लेते हैं कॉपी का, कोई भी फाइल को कॉपी कैसे करेंगे। सो वही राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करके फिर कोई भी एक ड्राइव में सेलेक्ट करके उसे पेस्ट कर देंगे। सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप
पेस्ट का ऑप्शन आ गया, उस पर करेंगे पेस्ट। तो चलिए चेक कर लेते हैं उसमें पेस्ट हुआ है या नहीं। सो आप देख सकते हो गाइस हमारे निकिता टू वाला फाइल पेस्ट हो चुका है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस मूविंग अ फाइल फोल्डर, उसके लिए करना होगा राइट क्लिक, और अब आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कट का ऑप्शन, उस पर करना है क्लिक, और फिर गाइस आप लोग कोई भी ड्राइव में उसे पेस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, या मैंने पेस्ट पर किया क्लिक, और ये हो गया गाइस हमारा क्लिक है, यहाँ पर से रिमूव हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर पेस्ट हुआ भी या नहीं। सो मैं अपने फाइल को सर्च कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ बहुत सारे फाइल्स हैं, तो मैंने टाइप कर रही हूँ यहाँ पर निकिता, ठीक है। हाँ तो आप देख सकते हो गाइस हमारा फाइल सेव हो चुका है। सो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये मैंने एक छोटा सा फाइल बनाया था आप लोगों के लिए। सो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डिलीटिंग अ फाइल ऑफ फोल्डर। सो उसके लिए गाइस हमें किसी भी फाइल में राइट क्लिक करते हैं हम लोग, पहले अपने ही फाइल में करते हैं निकिता टू वाले फाइल में, ठीक है। तो ये क्या मैंने राइट क्लिक, अब आप लोग देख सकते हो गाइस हमारे डिलीट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर करें क्लिक, और फिर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और अब आपको करना है येस। सो ये क्या मैंने येस, और हमारा फाइल हो गया डिलीट। सो था ना गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल। सो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू क्रिएटिंग फोल्डर एंड सब फोल्डर। सो गाइस फोल्डर और सब फोल्डर को क्रिएट कैसे करते हैं। सो गाइस एमएस वर्ड के थ्रू पे हम लोग क्रिएट करते हैं, तो चलते हैं एमएस वर्ड पे। सो कर लेते हैं पहले से ओपन। सो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा गाइस, आप करती हूँ मैं इसमें कुछ टाइप। सो गाइस मैं इसमें टाइप करने वाली हूँ फन विथ निकिता, अपने चैनल का नेम टाइप कर लेते हैं। ओके सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बिकॉज गाइस मैं टाइपिंग भी कर रही हूँ और साथ ही साथ वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, बस इसलिए गाइस। सो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देती हूँ, जिससे आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो गाइस ये बन गया हमारा फाइल, अब ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा फाइल का ऑप्शन, तो उस पर करना है क्लिक, और फिर आप लोग को दिख रहा होगा सेव। अब ऑलरेडी हमारा नेम लिखा हुआ है फन विथ निकिता, तो उसी को कर लेते हैं सेव, और फिर कर लेते हैं कट। तो चलते हैं गाइस विंडो एक्सप्लोरर में, तो फटाफट से उसे ओपन कर लेते हैं, बिकॉज हमने मिनिमाइज़ किया था इसलिए हम लोग को एकदम शॉर्टकटली हम लोग आ गए इसमें, ठीक है। तो अब इसका ओपन करते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं हमारा फाइल क्रिएट हुआ है या नहीं। सो टाइप करते हैं इसमें फ़न विथ निकिता। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा फ़न विथ निकिता एक फ़ाइल बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस यही था तरीका हमारा, कोई भी फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा जो भी हमने अभी टाइप किया था वही इस पर शो हो रहा है। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बातें बतानी थी मुझे आप लोगों को, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना प्लस और माइनस वाला, जो कि सब फोल्डर और फोल्डर को इंडिकेट करता है। सो गाइस यहाँ पर एरो से इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस आप लोग को इस टाइप का एरो अगर शो होगा ना, तो दैट मीन्स कि इसके और भी सब फोल्डर्स भी है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये एक डाउन एरो बन गया, और इन सब में फिर बन गया वही सेम एरो, ठीक है। दैट मीन्स इनके भी सब फोल्डर्स हैं, और देख सकते हो आप मैं क्लिक करके बता रही हूँ उसमें। और अगर डाउन एरो जैसे ही बन गया, समझ लीजिए कि आप उसके सब फोल्डर को ओपन कर चुके हो। सो गाइज वैसे ही मैं आप लोग ऊपर में दिखा रही हूँ, देख सकते हो गाइज इसमें आप लोग को एरो शो नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसके सब फोल्डर्स नहीं है, ठीक है। होप सो गाइज आप लोग को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा गाइज प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। और गाइज अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस करके एक बेल आइकन आएगी यानी कि घंटी आएगी उसे भी ज़रूर बजा लीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना एंड अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।